हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीए न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नगर पालिका के रोको टोको अभियान में कर रहा है प्राइवेट युवक काम, कैमरा देखकर भागे युवक। तारादेवी थाना अंतर्गत 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या। कलेक्टर के आगमन के पूर्व तमो नगर पालिका ने हटाए अतिक्रमण। दमोह जिले में स्कूलों के हाल बेहाल, समय पर नहीं पहुंचते शिक्षक। दमोह के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के अतिथि विद्वान व्याख्याताओं के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया है। हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है जिसके चलते इनकी नियुक्ति पर संकट खड़ा हो गया है। अगर इसी तरह के आदेश जारी होते रहे तो भविष्य में इन्हें काम करना मुश्किल हो जाएगा। बरसों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में संशोधित आदेश पारित होने के बाद इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या इनकी प्रमुख समस्या है, आइए जानते हैं। सर, हम लोग अतिथि व्याख्याता संघ पॉलिटेक्निक से आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। हम लोग पिछले कई वर्षों से संघर्षरत हैं कि हम लोगों को जो क्लास वाइज पेमेंट दिया जाता है, ये हमारा लेक्चर वाइज जो पेमेंट दिया जाता है, इस शोषणकारी नीति को हटाते हुए हम लोगों को मासिक 12 महीने का रेगुलर वेतन दिया जाए। तो इसके लिए हम लोग पिछले 7-8 वर्षों से संघर्षरत और पिछले 3 वर्ष से रेगुलर ज्ञापन दे रहे हैं। तो इसका जैसे तैसे आदेश शासन ने दिया तो शासन हमारे फायदे में कुछ है ही नहीं। उसमें जो आदेश दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है, जो हमारी मांग है कि मिनिमम 30,000 वेतन दिया जाए। आदेश में निकाला हुआ है कि मैक्सिमम 30,000 वेतन दिया जाएगा। तो मैक्सिमम 30,000 तो लेक्चर बेस्ड बन जाता है, उसका मतलब ही नहीं है आदेश का। कुछ सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ है। दूसरा बात यह है कि इसमें ये लिख दिया गया है कि नया पोर्टल बनाया जाएगा, पुनः नियुक्तियाँ की जाएंगी। तो हम लोग जो 10 साल से यहाँ 11 साल से पढ़ा रहे हैं उनको तो कुछ फ़ायदा नहीं है सर। और उसमें PhD और नेट गेट क्वालिफाई को वरीयता दी जा रही है। अगर PhD और गेट क्वालिफाई को वरीयता देंगे तो हम लोग तो यहाँ 10 साल से पढ़ा रहे हैं, हम लोगों के पास समय नहीं है कि हम PhD करें, हम लोगों के पास समय नहीं है कि हम लोग गेट क्वालिफाई करें। पढ़ाएंगे कि पढ़ेंगे अब, तो उससे हम लोग तो 90% लोग बाहर हो जाएंगे सर। तो इससे हमारे फेवर में ही नहीं है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये लिख दिया गया है कि जिन अतिथि व्याख्याताओं का FIR हो जाता है, तो सर आजकल आप जानते हैं झूठी FIR किसी की भी हो जाती है। तो FIR होने से किसी को बाहर नहीं किया जाता है। अगर उस पर कोई दोष सिद्ध हो जाता है, उसका मामला है, अगर उसका कोई दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। FIR होने से किसी को बाहर नहीं किया जा सकता है। एक ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और कई सारे इनने बहुत सारे पॉइंट बनाए हुए हैं जिसमें बहुत सारी कमियां हैं सर, जो हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं है। तो हमारे मेहनत करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो आदेश दिया गया है ये टोटली जो पूर्व से कार्यरत अतिथि व्याख्याता है, इस आदेश के तहत तो हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो हम इसलिए आए हुए हैं कि यथावत जो पूर्व में कार्यरत अतिथि व्याख्याता है उनको यथावत रखा जाए, और जो हमारी मांगे हैं जो पूर्व से आदेश भी हुए हैं कोर्ट से समय समय पर, उनको इंक्लूड किया जाए, ना कि नए नियम बनाए जाए। क्या नाम लिखते हैं सर? SK पटेल, सुरेंद्र कुमार पटेल। देखने लायक होगा इस संबंध में। अब बाइक अनियंत्रित होने की वजह से बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जाता है कि देवडोंडा की ओर जा रहे थे, बीच रास्ते में बाइक बहक गई जिसके चलते बाइक सवार पति पत्नी नीचे गिर गए। काफ़ी गंभीर चोट आने पर उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है जहां उनका उपचार जारी है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। कौन का? संगीता सिंह। क्या हो गया? अरे गाड़ी से जा रहे थे तो पीछे को टायर पंचर हो गया। कहाँ की बात है? हिंडोरिया के आगे तिंदनी नांग बड़ी है वहाँ पे। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़, दबाव। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन आज दमोह की सड़कों पर उतरे। नगर पालिका के द्वारा उनके आने के पूर्व ही अतिक्रमण हटाए गए, काफी अतिक्रमण हटाए गए। दमोह कलेक्टर के द्वारा दमोह के वेटनरी अस्पताल का निरीक्षण किया गया। पार्किंग को लेकर हमेशा इस जगह को बताया जाता है, जिसको लेकर उनके द्वारा
इस स्थल का निरीक्षण किया गया। तमो शहर की सड़कों पर लगातार हाथ ठेले नजर आते हैं, वहीं जगह जगह गुमटियां रखी हुई हैं। लोग तख्त रखने के साथ ही बड़े बड़े अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है, लोगों को काफी परेशानी होती है, कई बार घटनाएं भी घटती हैं। ऐसे में दमो नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। दमो कलेक्टर एस के चेतन के द्वारा मीटिंग में दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये मुहिम चलाई गई। किस तरह से मुहिम चलाई गई, इस संबंध में दमो नगर पालिका CMO भैयालाल सिंह से हमने चर्चा की। पार्किंग है उनको व्यवस्थित करने के लिए पक्ष चिकित्सालय में जो खाली भूमि है उसका निरीक्षण किया गया है। और व्यापारियों से अगर सहमति बनती है तो पेड पार्किंग के हिसाब से वहाँ पे व्यवस्था दी जाएगी, और जो व्यापारी सहमति देते हैं कि उनके जो टू व्हीलर हैं तो वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और वो फ्री पेड रहेगी और वो पेड करेंगे और उसका भुगतान जो है पक्ष चिकित्सालय को किया जाएगा, उसका संचालन भी पक्ष चिकित्सालय ही करेगी। आगे भी इसी तरह से मुहिम चलाए जाने की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। डॉक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा दमो के संग्रहालय का निरीक्षण किया गया। यहां पर अचानक से वह पहुंचे, व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली, साथ ही मूर्तियों के बेहतर रखरखाव के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए। अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के तारादेही थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां पर एक नाले के नीचे युवक की लाश मिली है। क्षेत्र में काफी सनसनी थी, पुलिस के द्वारा हत्या का मामला दर्ज किया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि ग्राम पलवा निवासी अरविंद पिता गुड्डापाल की लाश 17 वर्षीय युवक की लाश है। मामले की जानकारी सुबह स्थानीय लोगों को लगी थी कि यहाँ पर खून पड़ा हुआ है। जब जाकर देखा गया तो पता चला कि एक लाश भी पड़ी है। मामले में कुछ रिश्तेदारों पर पुलिस का शक जा रहा है। संपूर्ण मामले में जांच जारी है। वहीं पुलिस का मानना यह है कि जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। काफी तादाद में लोग भी मौके पर पहुंचे थे। काफी बड़ी घटना है, जहां एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। दमोह के घंटा घर पर ये अभियान के माध्यम से नगर पालिका के द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका के द्वारा जो चालानी कार्रवाई हो रही है उसमें प्राइवेट लड़के काम करते हैं। नगर पालिका के कर्मचारी कम एवं प्राइवेट लड़के अधिक रखे जा रहे हैं। ऐसा ही मामला आज सामने आया, जब ने यहाँ पर मौजूद लोगों से चर्चा की कि आखिर आप किस तरह से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, किस विभाग के कर्मचारी हैं, तो अधिकांश युवा यहां से भाग खड़े हुए। हैं? कहां काम करते हो? कौन सा पद है तुम्हारा? भाई बता दो कौन से पद पे हो तुम? कहा कार्ड कहा है तुम्हारा? आईडी कहा है? किसके कहने से काम कर रहे हो? तो कौन से पद पे हो? अभी इन्हें बुलाया कर्मचारी। तुम्हारा नाम क्या है? कौन से पद पे हो? कुछ नहीं, अभी इन्हें लगाया।
लगाया है उन्होंने? कौन से पद पे लगाया? गार्ड कहाँ है? गार्ड घर में रहा। कौन सा पद लिखा है उसमें? इस संबंध में नगर पालिका के जो कर्मचारी मौजूद थे उनसे चर्चा की गई तो वह झूठ बोलने में पीछे नहीं रहे। वो लड़के काम कर रहे थे अभी? ये लड़के नहीं सर, अभी जो यहाँ खड़े थे दो तीन, अभी वो आपके नगर पालिका के नहीं थे? कौन से सर? यही ले गए हैं लड़के हमारे, एक बस दो ही बस है। अच्छा, बाकी जो खड़े थे वो प्राइवेट थे? नगर पालिका के थे वो या फिर प्राइवेट थे? नहीं, ये हमारे नगर पालिका, ये है हमारे नगर पालिका। अच्छा, वो नहीं थे आपकी नगर पालिका? जानकारी नहीं है। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ भैयालाल सिंह का कहना है कि मामले में वह उचित कार्रवाई करेंगे। लोग नगर पालिका के साथ खड़े होकर जबरन लोगों को रोकते हैं, कई तरह से परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं है, नगर पालिका कर्मचारियों को लगाया गया है रोको टोको अभियान में, और जैसा आप मेरे संज्ञान में लाए मैं भी चेक कराता हूँ। अगर ऐसे लोग वहाँ पे असामाजिक तत्व अगर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, कैमरे के सामने ही लोगों ने दौड़ लगा दी, ये कहा था कुछ था नगर पालिका गलत है? तभी तो गलत होगा है, तो उनको मैं देखता हूँ, आप उनको क्लिपिंग दे दें और कौन लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। दमोह नगर पालिका के द्वारा रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में प्राइवेट कर्मचारी लोगों को रोक रहे हैं और उनसे जुर्माना भी वसूल कर रहे हैं। काफ़ी अनुचित कार्य नगर पालिका के कुछ कर्मचारी अपने संरक्षण में करा रहे हैं। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक इस पर रोक लग पाती है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़ तभाव। खबरों में बात करते हैं पथरिया की, जहां पर तेज रफ्तार कार अचानक से पलट गई। बताया जाता है पथरिया के दमो रोड पर खेजरा मंदिर के समीप तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया लाया गया, जहाँ से उन्हें दमो रेफर किया गया। बताया जाता है कार सवार अपने मित्र के यहाँ आए हुए थे, वापस दमो जा रहे थे, इसी बीच ये हादसा हो गया। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ तभाव। मध्य प्रदेश बेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह की कांवड़ यात्रा चल रही है। यह कांवड़ यात्रा बरमान घाट से प्रारंभ हुई है, जो सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम माधकपुर में समाप्त होगी। जगह जगह से यात्रा का स्वागत हो रहा है, वहीं दमोह के बीजेपी नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जैसरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ तभाव।
पुराना तालाब के पास मोहन टाकिज परिसर में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते स्थानीय सड़क टूट गई है। लोगों में दहशत है। वही नगर पालिका अधिकारी के द्वारा निर्माण कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। इस वक्त हम दमो के सिविल वार्ड नंबर 2 पुराना थाना के पास और मोहन टाकिज के जस्ट पीछे खड़े हुए हैं। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये काम लगा हुआ है मोहन टाकिज के परिसर में, जहाँ पर कभी टाकिज हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन इस निर्माण कार्य से मोहन टाकिज के पीछे बनी जो सड़क है, आप देख सकते हैं, ये लगभग 8 फुट अंदर सड़क में दरार पड़ चुकी है। यहाँ पर जो खुदाई के दौरान ये सड़क ध्वस्त हो गई और इस कदर हुई है कि 20 सड़क के आधा हिस्सा दरार में आ गया है और आधे हिस्से पे आवागमन जारी है। वहीं पर यहाँ के मासूम बच्चे भी खेलते हैं, उनको भी डर बना रहता है कि आखिर ये मिट्टी धसक ना जाए। और नीचे अगर हम देखें तो शायद मॉल बनाया जा रहा है और लगभग 20 से 25 फुट नीचे तक गहराई है। अगर कोई हादसा होता है तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर होगा। तीन चार फुट अंदर खराब हो गई ये सड़क। इसके लिए कोई आया है? अभी तो कोई नहीं आया। ये भाई साहब, ये रोड कब बनी है? करीबन 2 माह पहले। ये अभी अभी रोड बनी है? हाँ। तो ये तो रोड बहुत दरार पड़ गई इसमें। हाँ, दरार तो आ गई है। क्या नीचे खुदाई हो गई ना, तो इस कारण से यहाँ पे रोड नीचे खुद गई तो ऊपर से दरार आ गई है। इसके लिए कोई सुधार करने वाले नहीं है? सड़क बनाई जिसने? नहीं, अभी नहीं आए। कोई नहीं है, कोई नहीं है। सुपरवाइजर साहब, एक मिनट, शुभ नाम क्या लिखते हैं? सड़क बर्बाद हो गई है, सुनिए तो भाई साहब। मैं कैसे बता दूं आपको, ये बताइए। तो इसके लिए कुछ करवाया आपने? हम करवा रहे ना भैया। क्या करवा? तैयारी। गड्ढा खोद रहे हैं वहाँ पे, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको ये बोला गया कि आप सुरक्षा के लिए वहाँ पे इंतजाम किए हैं, नथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उपयंत्री को ही मैं निर्देशित कर दिया हूँ, मौके पे जाके देख लें और सुरक्षा पे इंतजाम करें, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना न घटे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये दरार दिखाइए और यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरी सड़क, आधी सड़क लगभग दरार में आ चुकी है। यहाँ पूरी दरारें पड़ चुकी हैं 20 सड़क पर। और यहाँ पर इन्होंने भले ही बैरिकेड लगा दिए गए हों, फीते लगा दिए हों सरकारी, लेकिन यहाँ पर अभी भी हम भी वहाँ पर जाने में डर रहे हैं कि कहीं सड़क नीचे न चली जाए। यहाँ से मासूम बच्चे भी निकल कर स्कूल जाते हैं। अब ज़रूरत है ठेकेदारों को आगे आकर इसका सुधार कर वक्त से पहले करा दिया जाए, वरना कोई भी बड़ी घटना घट जाएगी। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने एक बाइक सवार बकरी से टकरा गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में काफ़ी देर तक वाद विवाद होता रहा। हालांकि बाद में विवाद निपट गया, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। दोनों पक्षों में समझौता हो गया। 1,000 रुपये में समझौता होने के बाद बाइक सवार चला गया। अर्शद बंटी पठान, लकड़ी से न्यूज़। दबाव। नाकोटा के रामबाड़ में फिर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है रामबाड़ में रहने वाले सुखान पिता कल्लन के मकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है, हालांकि चोर नहीं पकड़े गए। बताया जाता है घर में कोई नहीं था, सब शादी में गए हुए थे। खाली घर होने की वजह से चोरों के द्वारा इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित के द्वारा बताया कि घर में पैसे रखे थे, सोने चांदी के जेवर रखे थे, जिन्हें चोर चुरा कर ले गए हैं।
क्या नाम है आपका? कल्याण खां। क्या हो गया? रात में चोरी हो गई। क्या क्या चला गया? सोने को लॉकेट और 10 की गिट्टी, 50 की गिट्टी, 50,000 रुपया लगभग नगद है और 250 ग्राम की चांदी सिंडी है। और घर में कोई नहीं था? घर में कोई नहीं था, सब शादी में गए थे। दम साली की शादी में गए थे वो लोग, हमारी लड़का बहू, उतने में कोई ने रात में चोरी कर ली। आपने रिपोर्ट की? हाँ, रिपोर्ट अभी की है। जब मालूम पड़ा सवेरे आए यहाँ देखने, तब हमारे पास चाबी थी घर की, तो हम आए यहाँ देखने तो देखा तो यहाँ सब सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी के वो अंदर है जो वो सब टूटा पड़ा था। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। पटेरा कला में बीते कई वर्षों से आयोजक राजेश राय के द्वारा ग्राम तूफान गंगा स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल टूर्नामेंट महासंग्राम का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें गांव के नहीं बल्कि अन्य जगहों की टीमें भी भाग लेती हैं। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हैं। इसी श्रृंखला में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारम्भ हुआ, जिसका शुभारम्भ कांग्रेस नेता राव ब्रजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। उद्घाटन मैच सातपुर एवं मुड़ियापाला के बीच खेला गया। चलो होगा हो काम। और मैं सभी दर्शकों को, सभी लोगों को सूचना दे दूं कि हमारे अतिथियों का जो भी स्वागत पूर्ण होता है, उसके तुरंत बाद हमारे अतिथि निकलेंगे ग्राउंड की तरफ। ग्राम पटेरा में भाई राजेश राय द्वारा और उनकी टीम और पटेरा क्रिकेट द्वारा एक बेहतरीन जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसके लिए मैं उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, क्योंकि ऐसे ही टूर्नामेंट हमारे खिलाड़ियों को की प्रतिभाओं को निखार के लिए बहुत जरूरी रहती है और यही टूर्नामेंट एक मंच का माध्यम प्रदान करते हैं। मैं भाई राजेश राय व तमाम आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, साथ ही जो यह टीमें खेल रही हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कहना चाहूंगा ऐसी टीमों के साथ मिलकर खेलें, अच्छा खेलें व अनुशासित तरीके से खेलें। धन्यवाद। एक बार आप सबसे काबू बाहर इसको खेल दिया, एक सकर के बाहर जाने वाली थी गेंद, लेकिन छोटे ने बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को फील्ड किया, लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक सके, लेकिन दो रन बचाए हुए हैं तो शानदार। एक बार तालियां बजाने सभी दर्शक छोटे की फील्डिंग पर। बहादुर सिंह, ऋषभ कुमार जैन, सुरेश सोसाटी, देवेंद्र सोनी, अकबर खान, बबलू खान, आसिफ आयोजक समिति, राजेश राय, उदय भान सिंह, नितिन राय के साथ स्थानीय लोग मौजूद थे। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। फुटेरा कला में शासन के निर्देश अनुसार कक्षा पहली से लेकर बारहवीं तक के समस्त विद्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोले जाने के आदेश जारी किए थे, लेकिन दुखद बात यह कि अधिकारी आंख मूंद कर खाना पूर्ति करने में लगे हैं। पत्रकारों की टीम जब पटियाकड़ विकासखंड के संकुल फुटेरा कला के गोराटा शासकीय प्राथमिक एवं नवीन एकीकृत शाला में पहुंचे तो यहां पर बुधवार को दोपहर 12 बजे तक ताला लगा हुआ था। पत्रकारों के पहुंचने पर ग्रामीण काफ़ी तादाद में यहां पर इकट्ठा हो गए, जिनके द्वारा बताया गया कि शाला किस तरह से खुलती है। तो हम बोल रहे कम आया बच्चा, दस सर आप तो बोल रहे हैं कि बच्चा ही नहीं आया, उनकी हाजिरी का निकाली आए थे तो नहीं आए, उनकी हाजिरी हम गांव में बुला बुला के परेशान है, भी आए थे तो उनकी हाजिरी का नहीं डाली आए, दस बच्चों की हाजिरी का नहीं डाली, फिर दस बच्चों की डली है हाजिरी हमारी। आप कह रहे हैं डली नहीं है,
आप क्या उपस्थिति नहीं डाली है? अरे उपस्थिति डाली है, जितने बच्चा आपने सर जा बोली कि उपस्थिति नहीं डाली। गेट बंद गेट बंद। पत्रकारों के द्वारा अधिकारियों को फोन लगाया गया तो 2 घंटे के बाद हेडमास्टर पहुंचे, कहा चाय पीने गया था। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एस के मिश्रा का कहना है कि बहुत ही गलत बात है, अगर स्कूल समय से पहले बंद किए जाते हैं तो इसकी जांच करवाता हूं। फोटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। मुनिश्री 108 सुधा सागर महाराज जी का आगमन गड़ाकोटा में हुआ। सुबह 9 बजे भव्य आगवानी की गई। संपूर्ण शहर में अनेक स्थानों पर स्वागत द्वार लगाए गए थे। जन समाज के लोग काफी तादाद में मौजूद थे, जिनके द्वारा महाराज श्री की भव्य आगवानी की गई। महाराज जी साहेबपुर रत्नानी से होते हुए गड़ाकोटा के पहले गौशाला पहुंचे, जहां काफी देर तक वह रुके और प्रवचन भी उनके द्वारा दिए गए। पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज ने यहाँ की गौशाला की भूमि पर कदम पड़ते हैं, मुझे लगा कि यह भगवान नैमिनाथ का जनालय बनना चाहिए, क्योंकि पशुओं का रखवाला नैमिनाथ भगवान है। श्री 1008 मुनि सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद लेने नेता अभिषेक भार्गव भी पहुंचे। अभिषेक भार्गव रत्नारी ग्राम से महाराज जी के साथ पैदल गौशाला तक आए, वहां पर महाराज जी ने अभिषेक भार्गव को आशीर्वाद दिया। महाराज जी से एक निवेदन और मैंने किया था, महाराज जी का जो आदेश है उसके विषय में भी चर्चा करूंगा, लेकिन निवेदन मैं भी आज इस अवसर पर महाराज जी के चरणों में करता हूं कि महाराज जी आज का दिन और हम गड़ाकोटा वासियों के लिए प्राप्त हो जाए। सभी लोग अपना सौभाग्य समझेंगे अगर आज आप यहां पर विश्राम करते हैं। तो महाराज जी ये निश्चित रूप से बहुत ही पुण्य भूमि है। जो आदेश आपने इस गौशाला के विषय में दिए हैं, निश्चित तौर पर उन सारे आदेशों का पालन यहाँ पर किया जाएगा। पूर्व से ही महाराज जी मेरा परिवार इस गौशाला से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि इस गौशाला की स्थापना परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर की, और पूर्व में भी जिस प्रकार की आवश्यकता इस गौशाला के लिए लगी, चाहे वह भूसा के लिए हो, चारे के लिए हो, शेड के, कहीं भी मानस स्तंभ बनाने की उल्लेख नहीं है, कहीं भी नहीं, किसी भी शास्त्र में अकेले मानस स्तंभ बनाने का उल्लेख नहीं है, जिनालय के साथ मानस स्तंभ बनाने। गड़ाकोटा से महाराज श्री का बिहार दमो की ओर हुआ है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। नगर पालिका के रोको टोको अभियान में कर रहे हैं प्राइवेट युवक काम, कैमरा देखकर भागे युवक। तारादेवी थाना अंतर्गत 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या। कलेक्टर के आगमन के पूर्व दमो नगर पालिका ने हटाए अतिक्रमण। दमो जिले में स्कूलों के हाल बेहाल, समय पर नहीं पहुंचते शिक्षक। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मेरा चैनल।